यू आर मोस्ट वेलकम इन द इंटरव्यू सीरीज। ये हमारा ईटी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का फिफ्थ नंबर का लेक्चर है एंड आवर टुडे क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली द जीरोथ लॉ इज। आप सोच रहे होगे दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन और आंसर हमको पता है, हो सकता है वीडियो आप बंद कर दो। बट एज यूजल मैं आपसे कहता रहता हूँ कि जब हम लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिए इवन दो आपको इसका आंसर पता है, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने वाले हो। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जीरोथ लॉ को हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ के बाद में डिस्कवर किए, फिर भी इसको इसका नाम हम जीरोथ क्यों रखे, क्यों नहीं फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रखे। तो बहुत फंडामेंटल इसका जवाब नहीं है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, यहाँ पे जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन क्या है, उस सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इसका बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिस्कवर किए, आई थिंक ये 1931 में हुआ, उस टाइम तक हमारे पास फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑलरेडी था। ये सारे लॉज किस पे बेस्ड हैं, टेम्परेचर पे। और हमें पता है टेम्परेचर इज द मेजर फिजिकल क्वांटिटी फॉर एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में पूरा टेम्परेचर की एनालिसिस ही है। अगर टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हम किसकी एनालिसिस करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या है, एक मेजर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसको हम एनालाइज करते हैं। बट हमारे पास लॉज थे, बट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव लॉ नहीं था, इन शॉर्ट कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं था। हमारे पास सेंसेशन था, हमारे पास सेंसेशन था, हम किसी को टच करके फील कर सकते थे कि हाँ ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये रेड हॉट है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, समथिंग ये आइस है, ये स्टीम पॉइंट तक पहुंच गया है। वी फील दैट बट वी कैन नॉट प्रोवाइड द मैथमेटिकल वैल्यूज। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके घर में टाइल्स लगी है और आप टाइल्स पे बैठते हो तो यू फील मोर कूलर देन द यू सिट ऑन द वुडन चेयर। ऐसा क्यों होता है आपको, ऐसा क्यों होता है, बोथ आर द सेम रूम टेम्परेचर, तो ऐसी फीलिंग क्यों होती है। तो फीलिंग से हम सब कुछ नहीं बता सकते, वी मस्ट प्रोवाइड सम मैथमेटिकल वैल्यूज फॉर द टेम्परेचर। और वो वैल्यूज कौन प्रोवाइड करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इससे पहले हम सेंसेशन से काम चलाते थे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ जीरोथ लॉ। तो जितना ऑब्वियस आप जीरोथ लॉ को समझते हो उतना ऑब्वियस ये है नहीं एग्जैक्टली। कब डिस्कवर हुआ, किसने किया, तो फॉलर ने किया था 1931 में, जब हम आजाद होने के करीब पहुंच चुके थे, उस समय भी साइंस पे काम हो रहा था और हमने डिस्कवर किया जीरोथ लॉ को। जैसा कि नाम आपको मैंने बताया कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, पहले से हमारे पास जो फंडामेंटल लॉज हैं वो पड़े हुए थे, तो इसका नाम फोर्थ लॉ इसलिए नहीं रखा गया बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी टू डेराइव ऑल दिस लॉ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन सब जगह टेम्परेचर आता है, हम इसी को पढ़ते हैं, हीट को पढ़ते हैं, तो दिस इज द बेसिक यूनिट टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो इसलिए इसका नाम पहले रखने के लिए, अब इन सबसे पहले क्वांटिटी क्या आती है, जीरो आती है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, जीरोथ लॉ रखा। कंट्रोवर्शियल था नाम रखना बट फाइनली डिसाइड हुआ कि लेट एज्यूम दैट दिस इज द जीरोथ लॉ। ओके, अब समझने की करते कोशिश करते हैं कि जीरोथ लॉ कहता क्या है। तो स्टेटमेंट आपको पता है, बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है, क्या कहता है जीरोथ लॉ, इफ टू बॉडी आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम With the third body, they are also in the thermal equilibrium to each other. अब thermal equilibrium क्या होता है? Obviously, if there is a two body, suppose there is a two body, और ये दोनों body का temperature suppose 20 degree है, that means कि there is a no heat transfer. Why there is a no heat transfer? Because there is a no temperature gradient. Heat transfer के लिए वहाँ पे temperature gradient का होना जरूरी है. Doesn't matter वो किस mode से heat transfer हो रहा है. बच्चों आप देखो, दो बॉडी कांटेक्ट में हैं तो भी हीट ट्रांसफर होगा, दो बॉडी कांटेक्ट में ना भी हो तो भी हीट ट्रांसफर होगा, देयर इज द रेडिएशन, देयर इज द कन्वेक्शन, हो सकता है हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, बट हीट ट्रांसफर कब नहीं होगा ये कौन बताता है, ये बताता है आपको टेम्परेचर।
दो बॉडी कांटेक्ट में रह के भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा इफ देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसी टेम्परेचर के क्वांटिटी को जीरो साहब ने मैथमेटिकली मैथमेटिकल वैल्यूज दिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ यही लॉ को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। सपोज हमारी ये बॉडी है, ये दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये बॉडी भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। बहुत ही ऑब्वियस है, आप कह रहोगे इतना ऑब्वियस चीज एक फंडामेंटल लॉ बन गई थर्मोडायनेमिक्स की, बहुत ऑब्वियस है। बट इसी ऑब्वियस को इतने दिनों तक ढूंढा नहीं गया और हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं था टेम्परेचर का। इसके आने के बाद ही हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ टेम्परेचर का। वो कैसे, हमने क्या किया, इसके एक बॉडी को हमने थर्मोमीटर में चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, हम थर्मोमीटर से इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इफ बोथ बॉडी आर द सेम टेम्परेचर, बोथ बॉडी आर सेम टेम्परेचर, तो आइदर दे आर इन अ कॉन्टेक्ट और दे आर सेपरेटेड। हम कह सकते हैं दीज टू बॉडी आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, दिन टू बॉडी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, वेरी सिंपल। तो जीरोथ लॉ को हम इस तरीके से भी कहते हैं, जीरोथ लॉ कैन बी रीस्टेटेड एज द टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ हैव द सेम रीडिंग इवन दे आर नॉट इन अ कॉन्टेक्ट, इवन दे आर नॉट इन अ कॉन्टेक्ट। तो होप यू अंडरस्टैंड, यहां से इसके मेजरमेंट का फंडामेंटल आया। अब ये मेजर करने का फंडामेंटल टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है या कैसे हमने उसको मैथमेटिकल वैल्यू प्रोवाइड किया, ये डिपेंड करता है इस रेफरेंस बॉडी पे। इसे हम कहते हैं बच्चों रेफरेंस बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बॉडी। अब इस रेफरेंस बॉडी की हमको चाहिए एक प्रॉपर्टी, क्या चाहिए, एक प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, जैसे बॉडी में एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब उसका वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, प्रेशर घट बढ़ सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो टेम्परेचर से कोरिलेट करती हैं। तो इजीली हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं अगर हम प्रेशर मेजर कर पाए, अगर हम वॉल्यूम मेजर कर पाए। तो ऑब्वियसली ये सारी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल थी। तो इस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर से कोरिलेट करती है, इसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल। और वहां से हम मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर की। अगर इसके हम एप्लीकेशन या एप्लीकेशन की एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मैं आपको बताया कि ये बेसिकली यूज होता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या फिर उसका क्वांटिटेटिव वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, या फिर यू कैन से टेम्परेचर की मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। तो बच्चे इसका अगर हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल लें तो वो थर्मोमीटर है। और थर्मोमीटर में सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर का। आपने इसको देखा भी होगा और आपने इसका यूज भी किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, एक टीप होती है जिसका टेम्परेचर मेजर करना होता है, हम इसको वहां पे रखते हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब में क्या फिलअप होता है बच्चों, मर्क्यूरी फिलअप होता है, मर्क्यूरी फिलअप होता है। और ये कैपिलरी एक्शन की तरह एक्ट करता है कि जैसे ही हम इसमें थोड़ा भी सेंसेशन होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ये लाइन जो होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, तो हम इसकी लेंथ मेजर कर पाते हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्योंकि जैसे ये हॉट होता है इसकी लेंथ चेंज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द एक्सपेंशन। तो जैसे इसकी लेंथ चेंज होती है हमें पता चल जाता है कि इसमें इसका टेम्परेचर कितना है। अब इसकी जो लेंथ चेंज है इसी को हम इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था कि रेफरेंस बॉडी में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसके वजह से इसकी लेंथ चेंज होती है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे थर्मोकपल हैं, उनकी सबकी अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आप बात करो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का, तो वहाँ पे प्रेशर होता है, प्रेशर उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दैट्स मीन कि हम अगर हम इस भाषा में इसको समझें कि हम इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को अगर मेजर कर सकते हैं तो वी कैन इंडिकेट द टेम्परेचर वैल्यू। कैसे, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें किसी भी गैस में, वो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज एन आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्रेशर के। तो अगर हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं देन वी कैन स्केल्ड आउट द टेम्परेचर।
इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर होता है, इसमें वॉल्यूम इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, हम वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं और वहां से हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं हमारे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाता है, तो वहां पर रेजिस्टेंस मेजर करके हम टेम्परेचर बता सकते हैं। थर्मोकपल, थर्मो ईएमएफ होता है, आपने पढ़ा होगा सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट की जंक्शन का, अगर टेम्परेचर जंक्शन पे अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट हो तो वहां पे क्या हो जाता है, थर्मो ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया, इसमें हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, तो लेंथ इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इन शॉर्ट जो जीरोथ लॉ है वो किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में एंड टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में। तो आप समझ गए होंगे जीरोथ लॉ क्या होता है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग, और इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा तो यू आर एबल टू answer these questions. This is the end of the today video बच्चों, thank you so much for watching this. Please don't forget to like, share and subscribe. Video पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ share करिएगा, comment करके बताइएगा कि आपको video कैसा लगा, और अपने interview में अगर question पूछा गया है तो share जरूर करिएगा।